नमस्कार दोस्तों, भूमि नोटो एरिया सेवन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले जीप ग्रैंड वैगोनर के बारे में। यूएसए की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी जीप की फुल साइज एसयूवी वैगोनर कंपनी की कारों में अपना एक अलग ही स्थान रखती है। हाल ही में एसयूवी निर्माता कंपनी ने अपनी वैगोनर की नई रेंज के प्रोडक्शन मॉडल से पर्दा उठाया है, जिसमें से एक फुल साइज 8 सीटर एसयूवी वैगोनर और एक ग्रैंड वैगोनर एसयूवी शामिल है। कंपनी की तरफ से इन एसयूवी को सबसे पहले 1963 में लॉन्च किया था, जिसके बाद वैगोनर की पॉपुलैरिटी में कुछ इस तरह इजाफा हुआ कि कंपनी ने इसे 1993 तक बिक्री के लिए बरकरार रखा। तो दोस्तों क्या जीप वैगोनर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में जीप वैगोनर से जुड़ी सारी अपडेट्स के बारे में। हम जानते हैं इस वीडियो में इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, प्राइस, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, इंजन पावर, सभी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जीप वैगोनर के एक्सटीरियर से। जीप द्वारा पेश की गई वैगोनर सीरीज की यह एसयूवी अपनी बॉक्सी डिजाइन की वजह से देखने में आपको पुराने मॉडल की थोड़ी सी याद जरूर से दिला सकती है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि इसे आधुनिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस एसयूवी में आपको कंपनी की 7 सीटेड ग्रिल देखने को मिलती है, जो एलईडी डायल के अलावा बड़े एलईडी हेडलैम्प के साथ आती है। इसके अलावा कार में एलईडी फॉग लैम्प और स्पॉटी बम्पर दिया गया है। पीछे की तरफ आपको स्लिक एलईडी टेल लाइट्स को नोटिस कर सकते हैं, हालांकि यह लाइट बार से जाकर नहीं जुड़ती है, जो कि कॉन्सेप्ट मॉडल में देखने को आपको मिला था। ऑल ओवर लुक की बात करें तो जीप वैगोनर को काफी दासू अंदाज में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप वैगोनर के इंटीरियर की। नई जीप वैगोनर में आपको सॉफ्ट ड्यूटोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि विंग शेप में आता है। वैगोनर के डैशबोर्ड में आपको 12 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस होगी। वैगोनर एसयूवी में पीछे के यात्रियों के लिए 2 10.1 इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जो एलेक्सा वॉइस असिस्ट, 4G LED, वाईफाई हॉटस्पॉट, कार टीवी इंटीग्रेशन, हेड अप डिस्प्ले, मेक इंटायर साउंड सिस्टम, अपडेटिव क्रूज कंट्रोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, करंट स्पीड, करंट गियर और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, स्पीड लिमिट, नाइट विजन विद पेडेस्ट्रियन एंड एनिमल डिटेंशन जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप वैगोनर में मिलने वाले इंजन की। जीप वैगोनर में आपको 5.7 लीटर V8 पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो 387 bhp का पावर और 548 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ आपको 48 वोल्ट का माइट हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है। दूसरी ओर ग्रैंड वैगोनर में आपको 6.4 लीटर V8 पेट्रोल इंजन का उपयोग किया गया है, जो 465 bhp का पावर और 617 nm का टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इन दोनों प्रीमियम फुल साइज एसयूवी में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हो जाएगी। तो चले दोस्तों अब हम बात करते हैं जीप वैगोनर की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों अभी तक कंपनी ने इस कार के लॉन्च की कोई घोषणा नहीं की है, पर इस कार को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। तकरीबन इसके प्राइस की बात करें तो 65 से लेके 75 लाख के अराउंड रखी जा सकती है। तो दोस्तों क्या यह कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।